चलिए साहब, हम लोग बात कर रहे हैं राशिफल की, 2024 को समझ रहे हैं, किस्मत कनेक्शन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तुला राशि आपके लिए 2024 को, तो संक्षेप में सारे क्षेत्रों में आप कैसे देखते हैं तुला राशि को, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं। तुला लग्न की बात करें स्वास्थ्य के, सबसे पहले तो 30 अप्रैल तक ग्रहों के प्रभाव से पेट, पीठ, वजन बढ़ने जैसी समस्या हो सकती है। 1 से 18 जनवरी में गला, पीठ, मधुमेह, गुर्दे, नेत्र इत्यादि शुक्र की बीमारियां हैं। 8 से 30 मार्च में उधर हड्डी, बीपी, पैर और पीठ, कमर, मांसपेशियों में ये मंगल की बीमारियां सारी चल रही हैं। अर्थराइटिस, पिंडियों और मानसिक तनाव जो है, ये सारे के सारे मंगल की बीमारियां हैं। इसके अतिरिक्त जो 60 वर्ष से ज़्यादा की आयु के लोग हैं, इनको बीमारियों में थोड़ा सा शनि पंचम भाव में होगी तो हार्ट का और पक्षाघात, पैरालिसिस जैसे रोगों का खतरा बना रहेगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र राशि के चलते बीमार लोगों को, जो बीमार हैं या जो अनुवांशिक रोगों से जो प्रभावित हैं, उन्हें ज़्यादा असर होगा। 25 अप्रैल से 11 जून में अत्यधिक सावधान रहना होगा। इसके अतिरिक्त 20 मई से 12 जून का समय भी प्रभावी बीमारियों के लिए हो सकता है। 60 वर्ष से जो आयु के लोग हैं, उनको डायलिसिस चल रहा है, गुर्दे की बीमारी चल रही है, रीढ़ की हड्डी की समस्या चल रही है, डायबिटीज है, तो उनका थोड़ा सा प्रभाव इस समय खराब हो सकता है ये समय। इसी प्रकार 25 अगस्त से 18 सितंबर और 13 अक्टूबर से 6 नवंबर सावधानी का होगा सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए। युवा तथा स्वस्थ लोगों के ये समय थोड़ा सावधानी का होगा, क्योंकि इस समय में ऊर्जा अधिक होगी तो दुर्घटना के प्रति आप बढ़ सकते हैं, दुर्घटना का योग बना हुआ है। इन लोगों के लिए जो युवा हैं, प्रबल हैं, शक्तिशाली हैं, यानी यंग हैं, हाई एनर्जी से हैं, परिपूर्ण है, 19 जनवरी से 24 अप्रैल, 13 जून से 24 अक्टूबर, 19 सितंबर से 13 अक्टूबर और 7 नवंबर से 31 दिसंबर तक अत्यधिक समय स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु सावधानी जरूर रखनी होगी। जीवन का अगला क्षेत्र है धर्म, भाग्य, शिक्षा। धर्म, कर्म कांड, धार्मिक स्थलों की यात्रा, योग, अध्यात्म इत्यादि के लिए 8 से 25 मार्च, 8 जुलाई से 23 सितंबर और 11 अक्टूबर से 29 अक्टूबर का समय उत्तम रहेगा। यही समय शिक्षा के लिए भी उत्तम रहेगा, बेशक आप किसी विषय के विद्यार्थी हो। 26 मार्च से 9 अप्रैल, 11 से 31 मई, 24 सितंबर से 10 अक्टूबर, 30 अक्टूबर से 31 दिसंबर में शिक्षा में थोड़ा से संघर्ष के उपरांत सफलता का समय हो सकता है। 8 से 25 मार्च, 9 अप्रैल से 10 मई, 1 से 12 14 जून तथा 24 सितंबर से 10 अक्टूबर में विदेश में शिक्षा हेतु थोड़ा शुभ समय रहेगा आपको। अब बात करते हैं प्रेम, रिश्तों तथा विवाह की। तुला लग्न जो है प्रेम, संबंधों, विवाह और रसिक तबीयत वाले लोगों का होता है, कलात्मक सोच रखने वालों के होता है ये, और ये मीडिया, बॉलीवुड इत्यादि के लोग इससे बहुत अधिक जुड़े होते हैं। तो कलात्मक सोच रखने वाले जो लोग हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बॉलीवुड व संगीतकार, गीतकार, रोमांटिक जो लोग हैं, इस विशेषता तुला लग्न में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। वर्ष 2024 में शुक्र मंगल के प्रबल गोचर के चलते 1 जनवरी से 23 अप्रैल और 2 जून से 12 जुलाई तथा 27 अगस्त से 31 दिसंबर में प्रेम दाम्पत्य संबंधी हेतु उत्तम समय रहेगा। केवल 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र राशि के चलते विवाह सगाई के संस्कार वर्जित रहेंगे। इन तारीखों में दाम्पत्य संबंधों में, प्रेम संबंधों में कम ऊर्जा या धोखे के योग रहेंगे। 13 जुलाई से 26 अगस्त, 25 अगस्त से 18 सितंबर में विदेश में विवाह के अथवा प्रेम संबंधों के थोड़े से योग रहेंगे। 2 जून से 26 अगस्त का समय, 6 फरवरी से 15 मार्च और 2 जून से 26 अगस्त का समय मांगलिक प्रभाव से युक्त होगा, अथवा विवाह मांगलिक जातकों को कुंडली मिला के विवाह करना आवश्यक रहेगा। धन से जुड़ा जो है तुला लग्न का, पूरे वर्ष मंगल, शुक्र, सूर्य और शुक्र के बीज मंत्र आवश्यक होंगे। पहले ही हम उपाय इस लग्न के लिए बता रहे हैं, वैदिक मंत्र जाप करते तो करते रहे। कारण क्या है कि इस लग्न में 1 जनवरी से 15 मार्च, 2 जून से 31 दिसंबर में तीव्र धन प्राप्ति योग बना हुआ है। 21 अप्रैल से 1 जून और 13 जुलाई से 26 अगस्त में विदेश में यह रुके धन की प्राप्ति का योग है। 21 अप्रैल से 1 जून में शेयर मार्केट में हानि तथा भय तथा 17 जुलाई से 26 अगस्त में पैतृक संपत्ति से लाभ आ सकता है। 30 अप्रैल से 31 दिसंबर में पैतृक संपत्ति के अलावा और बहुत बड़े लाभ के योग है, परंतु 24 अप्रैल से 7 जुलाई या 25 सितंबर से 18 सितंबर, 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में पैतृक संपत्ति के लिए कानूनी पक्षों से बचे। इन्हीं तारीखों में इंश्योरेंस से लाभ या इस पर व्यय हो सकता है।
24 अप्रैल से 7 जुलाई, 13 जुलाई से 26 अगस्त और 25 अगस्त से 18 सितंबर, 13 अक्टूबर से 26 6 नवंबर में कानूनी और बैंक से जुड़े वे खर्चे पचौड़ों से बचे पेनल्टी इत्यादि हो सकती है इस समय में। अब कुछ जो महत्वपूर्ण उपाय हैं वो देख लेते हैं। शुक्र लग्न के मुख्य जो उपाय हैं, 3 रत्न है, हीरा, पन्ना, और यदि मंगल की दशा या मांगलिक समय चल रहा है तो मूंग आप धारण कर सकते हैं। 60 सती चल रही है तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, परंतु हल्का 3-3.5 रत्न का नीलम धारण करें। परंतु शनि के लिए आपको शनि बीज मंत्र पूरे वर्ष करेंगे तो लाभ रहेगा। काली उर्द तेल, लोहा, नमक का दान शनिवार को या सोम भौम शनिवार या अमावस्या वर्ष में जो आएगी उस दिन कर सकते हैं आप। 30 अप्रैल तक गाय को चने की दाल रोटी तथा 25 अप्रैल से 7 जुलाई में गाय को मीठी रोटी और गाय को चारा तथा कन्या आश्रम या विधवा आश्रम में दालें, चावल, वस्त्र का दान करें। 1-18 जनवरी, 25 अगस्त से 18 सितंबर, 13 अक्टूबर, 6 नवंबर में भी शुक्र ग्रह के लिए चावल, चीनी, सफ़ेद वस्त्र का दान करें या गौशाला में गाय चारा दें और गाय को मीठी रोटी दें। शुक्र के बीज मंत्रों का पूरे वर्ष दान जाप करें। कृष्ण, विष्णु, सहस्त्र नाम, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, दुर्गा, सप्तशती, किसी भी इनमें से किसी मंत्र का जाप करें। जैसे मैंने कहा कि शुक्र जो है रसिक तबीयत का, शक्ति का, ये भक्तों सरस्वती का भी लग्न है, इसलिए इनके मंत्रों का जाप लाभकारी रहेगा।